में प्रियरंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में एक बड़ी खबर दिखी है जहां पेंशन फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो रेगुलेटर है उसके तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है मर्जर को लेकर के। तो मर्जर की न्यूज तो आपको पता ही होगी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी का यहाँ पे देखेंगे तो मर्जर होने वाला है, जिसमें आईडीएफसी लिमिटेड के 100 शेयर के बदले 155 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर आपको मिलेंगे। ये किसी से छुपा नहीं है, ये पुरानी न्यूज है। और इस समय टेक्निकली देखेंगे तो पिछले 6 मंथ में स्टॉक ने मोर देन 40% तक के रिटर्न्स 30% तक के रिटर्न्स दिखाए थे। लोअर लेवल से वो रिटर्न काफी ज्यादा था, ये नियर अराउंड 40-45% के थे, थोड़े यहाँ करेक्शन के बाद इस समय 30% दिख रहा है। और इस करेक्शन के बाद आप देखें कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू, थोड़ा करेक्शन और अगेन ये एक ट्रेंड के लिए तैयार होते दिख रहा है, जहां मेजर रेजिस्टेंस 100 के आसपास का होगा तो शॉर्ट टर्म में भी एक पोटेंशियल गेन दिख सकता है और लॉन्ग टर्म के निवेश भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। आज इस स्टॉक में क्या खेल हुआ उसको समझेंगे। 31,000 पेंडिंग बाइंग सेलिंग के तरफ दिख रहा है, टोटल जो वॉल्यूम रहे थे वो 2,20,00,000 का रहा था, 2,20,00,000, और जो अच्छी खासी डिलीवरी भी उठी है 37% का, 81,00,000 शेयर बाइंग एज अ डिलीवरी लिए गए हैं, जिसमें कि 2,20,00,000 के आसपास का टोटल ट्रेडेबल वॉल्यूम थे। और यहां भी देखेंगे तो टेक्निकली एक रिवर्सल वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, यहां देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, डिलीवरी बेटर दिख रही है। मर्जर के अप्रूवल के अलावे कुछ बड़े न्यूज नहीं दिख रहे हैं, और मर्जर के अप्रूवल वाली जो न्यूज है वो यहाँ पे आप देखेंगे। ये जो आपको न्यूज दिख रही है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक गेट PFRDA, ये है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसने इसके मर्जर प्लान को लेकर के अप्रूवल दे दिया। चूंकि ऐसे फंड के होल्डिंग्स भी ठीक ठाक होते हैं तो अप्रूवल लेना भी जरूरी ही होता है। और आगे अगर इस स्टॉक के ट्रेंड को देखें तो सिंपली क्या पाएंगे कि क्या ट्रेंड दिख रहा है। लोअर लेवल जो इस स्टॉक का रहा है, जो लोअर लेवल हमने इस स्टॉक में देखा वो देखेंगे तो 52 के आसपास कंसोलिडेट करा, ट्रेंड कंटिन्यू, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और अगेन ट्रेंड कंटिन्यू, और 100 के एक रेजिस्टेंस दिखे। 100 के प्राइस से गिरा तो 0.786 के रिट्रेसमेंट को ब्रेक डाउन करे, और एक मेजर पोटेंशियल जो सपोर्ट होता है जब भी इस प्रकार के 100% गेन दिखे तो 0.618% के रिट्रेसमेंट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माने जाते हैं। और इसी सपोर्ट से देखेंगे कि रिवर्सल दिखा तो इस समय आप चाहें तो 82 के एसएल को लगा करके शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडर भी लॉन्ग जा सकते हैं। एक बार इसके डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को भी देखेंगे तो ऑलरेडी एक रिवर्सल विजिबल है। इसके अगर ड्रॉइंग को मैं हटा भी दूं तो यहां एक विजिबल अप ट्रेंड यहां देखेंगे। और आज इस स्टॉक में हैमर कैंडल बना है और पोटेंशियली ये जो लेवल है शॉर्ट टर्म में 90 से लेकर के 92 का, ये एक लेवल पोटेंशियल टारगेट दिख सकता है, जहां 82 के नीचे के एसएल को ट्रेल करेंगे। ये 1:1 का टारगेट है और 92 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग स्टॉक को 100 और 120 तक भी दिखा सकता है।